Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या बात है तिवारी जी, आज आपका जॉगिंग में भी मूड नहीं लग रहा था, काफी सुस्त नजर आ रहे थे। बिल्कुल सही फरमाया भाभी जी, आजकल हम कुछ अपसेट से चल रहे हैं। अपसेट? क्यों अपसेट हैं? ये जो आपके भभूति जी है ना, इनका बर्ताव हमारे प्रति कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या किया विभू ने, साफ साफ बताइए ना। भाभी जी, हम उनके ऑफिस में घंटों खड़े रहे, घंटों, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। दुनिया जहान के लोगों से मिलते रहे, नहीं मिले तो सिर्फ हमसे। ओ, तो आपकी ये प्रॉब्लम है कि विभू आपसे नहीं मिलना चाहता। जी भाभी जी। वैसे क्यों मिलना चाहते हैं आप, मतलब ऐसे ही बातचीत करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, या फिर कोई काम निकलवाने के लिए? अभी छोटा सा ही तो काम है, एक तो लैंड का टुकड़ा खरीदा था, वो उसी का प्लान पास करवाना है बस। ओ, तो ये कहिए ना कि आप काम करवाने के लिए गए थे उनके पास। भाभी जी, क्या था, एक छोटा सा काम है, सिर्फ कलम ही तो चलानी है, हस्ताक्षर ही तो करने हैं। आपको विभू के हस्ताक्षर चाहिए या चीफ इंजीनियर विभूति नारायण मिश्रा के हस्ताक्षर चाहिए? ये क्या क्या सवाल कर रही हैं भाभी जी आप? जाहिर सी बात है, भभूति जी ही तो चीफ इंजीनियर है। देखिए तिवारी जी, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जब तक विभू विभू था, उसके सिग्नेचर्स की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब से वो चीफ इंजीनियर बना है, उसके सिग्नेचर्स काफी वैल्यूएबल हो गए हैं। और विभू तो एक सरकारी ऑफिसर है, पता है ना, सरकारी ऑफिसर किसी के सगे नहीं होते। भाई जरा खुल के सामने आइए, क्या है कि आपकी जो बात है ना, वो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो मैं समझाती हूँ जी। तिवारी जी, हर ऑफिसर का, हर सरकारी ऑफिसर का एक चाल चलन होता है जी। और हमें उस चालो चलन को ऑब्जर्व करके उसकी कमजोरी पता करनी चाहिए। और अगर हमें कमजोरी पहले से पता हो तो क्या, फटाफट वो कमजोरी उसके सामने पेश कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, सॉर्टेड। थैंक यू भाभी जी, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। वैसे एक तो पर्सनल सा सवाल और पूछे क्या? पूछिए तिवारी जी, आप बहुत सवाल पूछते हैं। आपके हिसाब से भभूति जी की कमजोरी क्या है? तिवारी जी देखिए, ये तो सदियों से चला आ रहा है कि हर इंसान की एक ही कमजोरी होती है, और ये आप मुझसे बेहतर जानेंगे कि वो क्या होती है। चलते हैं। यार टीका कसम खा के कह रही हूं भाई, इतनी ठोकरे खाने के बाद एक बात समझ में आई कि जिंदगी में जब तक आपकी जेब में लक्ष्मीकांत हैं, तब तक आप सबके प्यारे लाल हैं। यू आर राइट यार। अब तो मेरी जान, एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। कौन से रास्तों पे? लंदन भाग चलते हैं। सारे कंगले भिखारी, जेब में पैसे हैं तेरे पास? वही तो मैं कह रही हूं यार, मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ना हमारे पास। ससुर जी, डाके डालबे को एक काम शुरू करो है तो यार, वो भी ना चलो। हाँ यार, ठीक है, एक आइडिया है मेरे दिमाग में। हैं? हैं? सारे तीसरी फेल, दो गोली के आदमी, तेरे खाली दिमाग में आइडिया भी आता होगा? बता। अबे आइडिया सुनेगा तो तेरे गुर्दे मुंह आ जाएंगे। बोल सारे। अगर कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए तो हम दोनों लड़की बन जाएंगे। सार, जिंदगी में, हमारी जिंदगी में एक लड़की तो आना रही, और तू खुद ही को लड़की बना रहे हो। क्या क्या है बता तो सही, सारे क्या कहना चाह रहे हो तू? अबे बावले, तू समझ नहीं रही है मेरी जान, अगर हम दोनों लड़की बन जाएंगे तो कसम खा के कह रही हूँ, नोटों की बारिश होगी हम पे, नोटों की। और वो बारिश हम करेंगे मेरे बेटे। एक बात बताओ, लड़की में जितना, मतलब लड़की बनने में
जितना भी खर्चा आता है अगर हम उसमें तुम्हारी कुछ मदद कर दे तो इस विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बीच थी? भैया हमारा तो जाहिर ख्याल है कि आप ना एक बहुत सयाने आदमी हो जो हमारी मदद करने की बात कह रहे हो, तो टिलुआ बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है तिवारी, सेठ जैसा काई है आदमी बिना मतलब के किसी की मदद कर ही नहीं सकता। बात तो सही कही मेरे बेटे, लेकिन अगर तुम मेरी कुछ मदद कर दोगे तो मैं भी कर दूंगा। इस हाथ ले उस हाथ दे, ये लीजिए मैडम जी गरम गरम चाय। अथांको हम सुंदर हैं। कौन बोला आप सुंदर हैं? मैडम हमारा नाम सुंदर है। ठीक बा सुंदर जी, बहुत अच्छा नाम है। हमरे पहले यहाँ कौन अफसर थे? थेनेक रमेश खवे जी। दिया कुछ चिड़े हुए लग रहे हैं आप। आप उनको भी ऐसे चाय पिलाते थे? अरे नहीं मैडम, हम उनके अंडर में काम करते थे। क्या बात करें, आप यहाँ जॉब करते थे? हम यहाँ पर असिस्टेंट ऑफिसर थे, उनके अंडर में काम करते थे। फिर आपका नौकरी कैसे चला गया? मैडम एक बार क्या हुआ कि ऑफिस के अंदर वो रिश्वत ले रहे थे, अचानक कोई आ गया और रिश्वत वाला बैग हमारे हाथों पकड़ा दिया और पूरा इल्जाम हमारे सर पे मढ़ के रख दिया और हमको तुरंत फायर कर दिया। हम उनसे इतना हाथ जोड़े पैर छुए सब कुछ बनाते रहे लेकिन वो नहीं माने और अब देखिए हमको ये चाय की दुकान खोलनी पड़ी। दिया सुंदर जी तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। हमको एक तो बात बताइए आप, ये जो खवे साहब और मित्तल साहब का कोनो सेंसेशन था आपस में? मैडम शायद आप कनेक्शन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं आप, कुछ संबंध था? अरे संबंध मैडम, उन दोनों का तो चोली दामन का साथ था। अरे मित्तल साहब खांसते भी थे ना तो खवे साहब से पूछ के खांसते थे। और ये जो अपने खवे साहब थे ये मित्तल साहब को कोनो जमीन वमीन का सौदा भी कराए रहे? अरे मैडम न जाने कितनी जमीन अलॉट करी है मित्तल साहब को, और वो जो अफीम खोटी के पीछे 10 एकड़ जमीन दे रखी है ना उसमें माल बनवा रहे हैं, वो भी खवे की मेहरबानी से। बहुत ही गड़बड़ हो रखा है। अब एक ठो बात बोले सुंदर जी, एक ठो ऑफर है आपके लिए। ऑफर कैसा मैडम? आप हमारे साथ अंडरवियर एजेंट बन के काम कीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम जी, वो अंडरकवर एजेंट होता है। सही पकड़े हैं। अंडरकवर एजेंट? हाँ मैडम जरूर। ठीक बाप से मिलते हैं, जाइए। जी मैडम जी, थैंक यू सो मच। लीजिए थैंक यू सो मच। C5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।